नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम यहाँ पर गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास में दीपशिका पवार, यहाँ पर आप देख सकते हो दीपशिका पवार, जिन्होंने जिन्होंने पूरे छिंदवाड़ा जिले में कला संख्या 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम और खुद का नाम यहां पर रोशन किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम आज यहां पर उनके घर उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये उनके पिताजी हैं हरि प्रसाद पवार जी और यहां पर ये कुमारी दीपशिका पवार जी यहां पर बैठी हुई है। इन्होंने बिल्कुल नाम रोशन कर दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है 12वीं क्लास में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सामान्य परिवार से, जिस तरह से आप लोगों, हम लोगों और सरकारी स्कूल रिधोरों में पढ़ी हुई ये छात्रा है और इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो आज हम यही इनसे बात करने वाले कि आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई की है, थोड़ा हम इंटरव्यू यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं ताकि आप जो बच्चे लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जो उनके माता पिता जो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग को थोड़ा प्रेरणा मिल सके, आप लोग को थोड़ी इंस्पिरेशन मिल सके ताकि आप लोग भी जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए यहाँ पर हम अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए, है ना, ये लीजिए, दोनों पकड़ लीजिए। तो आपने पढ़ाई, आपने जब 12वीं क्लास में एडमिशन करवाया तो आपने शुरुआत में क्या लक्ष्य बनाया था, मतलब आपने सोचा था कि मतलब कि आपके इतना परसेंट बनेगा करके? मेरा लक्ष्य था कि मैं 95 से ऊपर बनाऊं और एमपी टॉप करूं। पास में रहते हैं। क्या लक्ष्य था आपका? मेरा लक्ष्य था कि मैं 95 से ऊपर परसेंट बनाऊं और एमपी में टॉप करूं। मतलब ये लक्ष्य आपने शुरू में ही बना लिया था? हाँ। और 10th क्लास में आपका परसेंट कितना था? 89.6%। अच्छा, बहुत बढ़िया। 10th क्लास में भी आपका 89% था, बहुत अच्छी बात है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जब हमको क्लास से फर्स्ट आना होता है तो हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? मैं 15 से 16 घंटे पढ़ाई करती थी रोज। हाँ, चलो, बहुत सही। स्कूल के साथ था। तो आपकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? मैं सुबह 4 बजे से उठ के 6-7 बजे तक पढ़ा करती थी, फिर थोड़ा बहुत काम, और 9 बजे से 10 बजे तक उमरेट कोचिंग जाती थी सी गाइस डे। उसके बाद आके 10:30 बजे स्कूल, फिर स्कूल से 5 बजे तक घर आती थी। फिर उसके बाद 6 बजे तक थोड़ा काम, फिर 6 बजे से फिर 11-12 बजे तक पढ़ती थी। आपका जब जैसे ही 92% बना तो आपको बहुत खुशी हुई होगी कि मतलब? हाँ। जिले में क्या कुछ कम लग रहा है कि यार एमपी में हमारा एमपी में नाम आना था करके? कम लग रहा था कि एमपी में नाम आना था, पर ठीक है, अब ठीक है, जितना बन गया मतलब। हाँ। और आगे आपका क्या लक्ष्य है करने का? UPSC की तैयारी करना है। अच्छा, UPSC में कलेक्टर बनना है आपको? हाँ, कलेक्टर बनना है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, बजरंगबली महाराज आपको बिल्कुल कलेक्टर बनाए, आपका जो भी सपना है कलेक्टर बनने का, SDM बनने का, तहसीलदार बनने का, वो आपका बिल्कुल सपना पूरा हो। थैंक यू। और 3 से 4 साल के अंदर आप बिल्कुल कलेक्टर बन जाओ। थैंक यू, प्रार्थना करेंगे। और आप बच्चों से क्या कहना चाहते हो कि जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो बच्चे थोड़ा, जो लड़कियाँ लोग अपने आप कमजोर समझती कि हम लड़की हैं, हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, और जो लोग अपने आप कमजोर समझते, जो थोड़े फिलक्कड़ किस्म के बच्चे होते हैं जिनका 50% बनता है, 60 बनता है, 40 बनता है, आपको छोटे भाई बहन वो कैमरे में देख रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि उनको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। उनको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, और लड़की हो या लड़का हो, दोनों को समान तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो वो पढ़ नहीं सकती, सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन मुझसे भी ज़्यादा परसेंट बनाएं और MP टॉप 10 की लिस्ट में उनका नाम आए। कुछ टिप्स देना चाहोगे आप उनके बच्चों को ताकि वो कुछ इम्प्रूव कर सके अपने स्टडी में, लिखने से लेकर के कुछ, मतलब याद कैसे करते थे आप, याद करने का कुछ तरीका, याद किस प्रकार से करना चाहिए? आर्ट्स में खासकर याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं हमेशा बोल बोल के याद करती थी, मन में कभी याद नहीं कर पाती थी, सब लोग परेशान हो जाते थे मेरी आवाज़ से। अरे बहुत शानदार, हमारा भी सेम ऐसे ही था, मतलब बोल बोल करके आप मतलब याद करती। हाँ, बोल बोल के, घूम घूम के, बैठ के मन में याद नहीं होता था। लिख के याद करते थे आप? लिख के भी याद करती थी। तो लिख के किस प्रकार याद करते थे आप? पहले याद करती थी, फिर लिखती थी, और फिर मिलाती थी कि सही है या गलत। अभी क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य में NCERT की बुक्स आ गई है। हाँ, बुक चेंज होने के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो पेपर भी नहीं थे जिससे मैं देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाती। तो आपने तैयारी किस प्रकार की? बुक कॉपी से, बस परीक्षा अध्ययन में भी कुछ पेपर नहीं दिए थे पहले के। हाँ। तो सब कुछ अपने मन से की। और तो आपने, मैंने इस सुना था कि इस बार 12वीं क्लास में 8वीं खास कर ये हुआ कि बुक के क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन थोड़े बना कर, क्वेश्चन घुमा करके दिए थे। राजनीति में तो पूरे ऑब्जेक्टिव सन वाले दिए थे। अच्छा, तो आपने उसको किस प्रकार फेस किया?
सब सन एक जैसे थे, फिर पढ़ी थी तो याद था। मतलब आपने पूरी पूरी किताब पढ़ी है? हाँ। पूरी किताब पढ़ी है, मेहनत की है। हाँ। और पेपर में एग्जाम देने की कुछ टिप्स वगैरह बता दीजिए, तो 3 घंटे मिलते उसमें किस प्रकार से देना चाहिए एग्जाम वगैरह? मैंने तो पूरे क्वेश्चन को एक मतलब कि आगे पीछे करके अटेम्प्ट नहीं की थी, पूरे शुरू से अटेम्प्ट की थी, एक भी क्वेश्चन छोड़ी नहीं थी। एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ी नहीं थी। और पेपर 3 घंटे का मिलता, आपको पूरे 3 घंटे में हो गया था पेपर, है ना? हाँ, टाइम कम पड़ रहा था। और एग्जाम टाइम में थोड़ा टेंशन वगैरह कुछ हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा? बच्चे लोग अक्सर होता है। हुई थी पर याद रहता तो नहीं होती। हाँ, नहीं रहता जब दिक्कत आती है। बस राजनीति का पेपर देने के बाद मैं थोड़ी घबरा गई थी कि कम परसेंट बनेंगे करके। नंबर कितने कितने आए आपके? संस्कृत में 95, संस्कृत में 95 नंबर, सो में से 90 बहुत बहुत जोरदार मतलब। हाँ। हिंदी में 94, 94 बहुत शानदार। इकोनॉमिक्स में 92, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 92। हाँ। हाँ। और राजनीति पॉलिटिकल में 91। अरे वाह, बहुत शानदार। आप देख सकते हो सारे के सारे विषय में यहाँ पर 90 से ऊपर नंबर है, 90 से ऊपर मतलब 90 प्लस नंबर है। और इसके लिए इन्होंने साल भर खूब मेहनत किया होगा, परिश्रम किया होगा, अपना लक्ष्य बनाया होगा, तब जाकर के इनको सफलता मिली है। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती कि सोच ली, बस उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और इन्होंने मेहनत की है, साल भर मेहनत की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिधोड़ा है, यहाँ से कोचिंग करने के लिए फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना कोचिंग करने के लिए, फिर वहाँ से आना, फिर स्कूल जाना, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करना, फिर घर के काम भी करना। और किसान परिवार, किसान मतलब इनके जो पिताजी है हरि प्रसाद पवार जी, किसान है मतलब सामान्य परिवार से है और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद आज नाम रोशन कर दिया गया, बिल्कुल नाम चमका दिया गया, बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई के पात्र है। इसी के साथ साथ हम इनके पापा से बात करना चाहेंगे कि आप कुछ दो शब्द कहिए। मैं सभी को नमस्कार, मैं ये चाहूँगा कि बेटी हो या बेटा, दोनों सेम बराबर, मतलब बेटा भी उतना ही काम कर सकता है, बेटी भी उतना ही काम कर सकती है। और बेटी की अगर लाइफ अच्छी रहेगी तो दूसरे घर जाना ही है उसको, उस हिसाब से वो, हाँ भैया बोलिए, उस हिसाब से वो मतलब अच्छा पढ़ लिख के मतलब अपना नाम कमा के जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि इनका लक्ष्य आगे का कि इनको यूपी के साथ दोस्तों जैसा कि इनका आगे का लक्ष्य है कि इनको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है और कलेक्टर और आईपीएस अधिकारी इनको बनना है, तो हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम बिल्कुल आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप बिल्कुल बनोगे, आप बिल्कुल यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालोगे, बिल्कुल आपको लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी। आपने जिस तरह से अभी तक पढ़ाई की हो, आप आगे भी इसी तरह पढ़ाई करोगे, है ना कि नहीं? इसी के साथ साथ हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, दीवार घड़ी है मतलब इसके अंदर, है ना? हम आपको यहाँ पर ये गिफ्ट इसलिए देना चाहते हैं, हो गया थोड़ा पीछे कर लीजिए। विद्यार्थी के लिए समय की बहुत ज्यादा कीमत होती है, तो हमें चाहते हैं कि आपका जो स्टडी रूम है वहां पर आप एक घड़ी को लगाइएगा, क्योंकि सबसे कीमती होता है समय, है ना कि आप तो जानते होंगे समय बहुत कीमती होता है, तो इसलिए हमने घड़ी गिफ्ट किया ताकि समय के मतलब वैसे आपको समय की वैल्यू तो बहुत मतलब समझती होगी, है ना? तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह मतलब आगे जीवन में और तरक्की हासिल करें, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो सपना है यूपीएससी एग्जाम निकालने का और कलेक्टर बनने का, वो बिल्कुल आपका पूरा होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया से, हमारे छिंदवाड़ा जिले से कि कोई कलेक्टर बन के निकले, और आप बिल्कुल करोगे, और आगे हमसे जो कुछ सपोर्ट बनेगा हम आपके लिए बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।